आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न आपसे कह रहे हैं, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणता अधीनता या उपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित में तथ्य में को किसकी हीन भावना है? ठीक है, इसमें जो भावना दी गई है या किसकी हीन भावना आपसे यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो आपका दिया गया है, पहला आपको दिया है कार्ल हर्स्ट यूंग ने, तो यह आपका गलत है। दूसरा है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, यह भी गलत है। तीसरा है आपका करेन हर्नी के द्वारा, यह भी गलत है। चौथा उत्तर आपका सही है कि यह आपका दिया है अल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है, यह जो आपका दिया गया है, यह जो हीन भावना है वह आपका अल्फ्रेड एडलर की है। ठीक है, अब आइए समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत को वेस्ट या व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके सिद्धांत को मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। साथ साथ आइए यहाँ पे और चीजें समझते हैं। इनका जो आधारभूत अभिग्रह यह है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य उन्मुखी होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वह कैसा होता है, वह आपका उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण आप कह सकते हैं, एवं लक्ष्य उन्मुखी होता है। ठीक है, मतलब आपके लक्ष्य को लेकर होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है। ठीक है, इन्होंने यह बात बताई। साथ साथ इन्होंने यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में चयन करने एवं सृजन करने की क्षमता होती है। हर एक व्यक्ति में चयन करने एवं सृजन करने की क्षमता होती है। ठीक है, और इन्होंने यह बातें कही कि हमारे व्यक्तित्व लक्ष्य ही हमारे अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो लक्ष्य हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी अब पर्याप्तता की भावना का पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, साथ साथ देखिए, एडवर्ड के अनुसार जो यहाँ पे दिया है, एडवर्ड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अब अपर्याप्तता और अपराध की भावनाओं से ग्रस्त है। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वह अपर्याप्तता, मतलब उसके पास हमेशा कमी ही पाई जाती है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता और अपराध की भावनाओं से ग्रसित होता है। ठीक है, भावनाओं से ग्रसित होता है। इसे ही हम, ठीक है, यह जो इन्होंने यहां बताया है ना, इसे ही हम हीनता मनोग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या जानते हैं, हीनता मनोग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो आपने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, जो इनकी इन्होंने भावना बताई ना कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपर्याप्तता होगी, अपराध की भावना होगी, इसी को इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो यह आपका दिया गया है अल्फ्रेड एडलर के द्वारा, यह जो आपको यहाँ पे हीन भावना का जो बात कही गई है। ठीक है, सो आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।